ऑल राइट गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्यारा मास्क मैन आ गया हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ वापस। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं बर्ची अकबर के कलेजे जैसे बाई फरहान अली वारिस, नौहा 2021। कुछ देर पहले रिलीज हुआ, यानी कि लिटरली 15 मिनट पहले रिलीज हुआ। हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं गाइस। इसमें अली अकबर इस्लाम के मसायब है। जब अली अकबर इस्लाम को भाला लगता है, बर्ची लगती है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं निकालने के वास्ते अली अकबर इस्लाम के सीने में से बर्ची यानी कि भाला। तो उस टाइम का ये नौहा है आई थिंक। तो वही बताया जा रहा है कि बर्ची अकबर के गले जैसे निकाल रहे हैं हुसैन, या फिर निकालते हैं हुसैन। पता नहीं क्या होगा उसके आगे का, देखते हैं अभी वीडियो को। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, नौहे को देखते हैं, इस पर रिएक्शन करते हैं। बगैर बहस के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जाकर आप लोग लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए मुझे, ताकि हम अपडेटेड एंड कनेक्टेड रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और बढ़ते हैं वीडियो के, और बगैर टाइम उसके रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आखिरी बात है दिल अपना संभालो बाबा, बर्ची अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। बर्ची अकबर के कलेजे से निकालो निकालो बाबा। ऐसी उलझी है कलेजे में ये बर्छी बाबा, साथ बर्छी के कलेजा भी निकल आएगा। वक्त मुश्किल है बड़ा, खुद को संभालो बाबा। बर्छी अकबर से निकालो बाबा। आखिरी बात है दिल अपना संभालो बाबा। बर्ची अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। ऐ बाबा है दर्द बड़ा, ऐसा मैं संभल ना पाया, उसने सीने में ही बर्छी की अनी को तोड़ा। मुझको इस दर्द की मुश्किल से निकालो बाबा। बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। कुछ देर में जा मेरी निकल जाएगी, फिर कभी बहना मेरी मुझसे न मिल पाएगी। हो सके तो मेरी सुगरा को बुला दो बाबा। बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो। Yeah.
जैसे निकालो बाबा। बाबा जानाश मेरी खेमों में जब जाएगी ना तो ये हाल मेरा देख के मर जाएगी। जख्म सीने का किसी तरह छुपा लो से निकालो बाबा। तेरे हाथों में ये भी मुश्किल है कि बिनाई नहीं आँखों में। मदद के लिए दादा को बुला लो बाबा। बरछी अकबर के कलेजे से निकालो फरहान। कयामत है लिखे क्या मजहर। आखिरी बात यही कह के सिधारे अकबर। या अली कह के मेरा लाशा उठा लो बाबा। बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। तो ये था, मतलब मैं जैसे शुरू में कह रहा था कि बरछी अकबर से, अकबर के कलेजे से निकालते हैं हुसैन, या फिर ऐसा ऐसा होगा मेरे ख्याल से, ऐसा मैंने कहा था। बट ये अली अकबर अलैहिस्सलाम की बयानी है, मतलब जो अली अकबर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने बाबा से कि बरछी मेरे कलेजे से निकालो बाबा, मतलब आखिरी वक्त है मेरा, दिल को संभालो बाबा। सोचो यार तुम कि 18 साल का नौजवान है, नौजवान की लाश कोई बाप उठाता है, मतलब उसके दिल पर क्या गुजरती होगी कोई जब अपनी अपने अपने नौजवान बेटे को अपने सामने तड़पते हुए देख रहा है। वो अपने नौजवान बेटे के सीने में बरछी है, अपने नौजवान बेटे के सीने में भाला है और वो टूट चुका है, लिटरली दो टुकड़े हो चुके हैं। मतलब जब जो जालिम था उसने ऐसा इतना, मतलब इतनी ज़ोर से मारा था कि वो बरछी जाकर सीने में से जाकर जिगर को लग गई थी, यानी कि दिल को लग गई थी। और जैसे ही वो अंदर गई, उस जालिम ने वो बरछी को तोड़ दिया, तो वो आधी बरछी सीने में ही रह गई थी, आधी बरछी टूट गई थी। तो यही अकबर इस्लाम कह रहे हैं कि जालिम ने इस तरह मेरे बरछे मेरे सीने पर वार किया है बरछी से कि कलेजा निकल आ जाएगा। और उसने जब वार किया मेरे सीने पर, उसने आधी बरछी को तोड़ दिया। या अली कह के इस बरछी को निकालो बाबा, ऐसी कुछ था वो। या अली कह के वक्त मुश्किल है, दादा को बुला लो बाबा। मतलब हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थे इमाम हुसैन के फादर, उनको मतलब कह रहे हैं अली अकबर अलैहिस्सलाम के, दादा को बुला लो बाबा, या अली मदद कहकर। तो सोचो यार, या अली मदद कहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना कोई बिदत है, ना कुछ है, क्योंकि अली अकबर इस्लाम वाकई में कुछ ये कहे सो है। और इमाम हुसैन या अली मदद, और मतलब या अली मदद इमाम हुसैन ने कहा भी था, लिखा हुआ भी है, और कि इमाम हुसैन ने या अली मदद कहकर बरछी को खींचा था। और जैसे ही बरछी को खींचा इमाम हुसैन ने,
कलेजे का टुकड़ा साथ में निकल कर आ गया और खून का फवारा इतना तेज हुआ कि अली अकबर इस्लाम एड़ियां लगड़ने लगे। उस बाप ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा यार, कि अपने जवान बेटे को खून में नहाते देखा, खून में, लिटरली खून में लुथपुथ हो गए थे अली अकबर अलैहिस्सलाम उस टाइम पर जब उन्होंने इमाम हुसैन ने बर्ची को निकाला था। अली अकबर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा वक्त आखिर है, पता नहीं कब जान निकल जाए, मुझे अपनी बहनों से मिलवा दो बाबा, मेरी सोहरा मेरा मदीने में इंतज़ार कर रही है, मुझे मेरी बहन से मिलना है। ये इमाम से अली अकबर अलैहिस्सलाम ख्वाहिश रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी माँ, मतलब जब मैं मर जाऊँगा, तो जब मैं शहीद हो जाऊँगा, तो मेरा लाशा खैमे में अगर आप लेकर जब जाएंगे तो माँ तो यूं ही मेरे लाशों को देखकर मर जाएगी। तो कभी है, तो एक काम करना बाबा, आप मेरे इस जख्म को किसी चीज़ से छुपा देना ताकि उस माँ की नज़र उस पर ना पड़े। ये अली अकबर इस्लाम कह रहे हैं इमाम हुसैन से और बहुत चीज़ें कह रहे हैं यार। लास्ट में कह रहे हैं कि मजहर, मतलब जो हमेशा कहता हूँ यार, कोई कमेंट में कहता ही नहीं है कि लाइन, मतलब उसको क्या कहते हैं वो पैराग्राफ को जिसमें पोएट और रिसाइटर का नाम होता है, तो उस वाले स्टैंजा में कह रहे हैं फरहान अली वारिस के, मतलब अली अकबर इस्लाम कह रहे हैं कि फरहान अली वारिस और दोनों का नाम है, या मजहर अली का जो पोएट है मजहर सर उनका नाम है, या कह रहे हैं कि कैसे मैं, मतलब ये मंजर को बयान करूं जब अली अकबर इस्लाम दम तोड़ने वाले थे, और कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो या अली मदद कहकर मेरे लाशे को उठा लो बाबा, बर्शी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, आखिरी वक्त है, दिल को संभालो बाबा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही वो लाइन, आखिरी वक्त है, दिल को संभालो बाबा, ऐसी कुछ है, बर्शी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। भाई बहुत दर्द भरा नौहा था यार। फाइनली अली अकबर इस्लाम का भी नौहा आ चुका है ये, क्योंकि अभी तक अली अकबर इस्लाम का नौहा नहीं आया था, शहजादे कासिम का आ गया, बीबी सकीना का आ गया, अली असगर अलैहिस्सलाम का आ गया, इमाम हुसैन के आ गए, हजरत अब्बास का आ गया, बट अभी तक अली अकबर इस्लाम का नहीं आया था। अली अकबर इस्लाम का भी आ चुका है नौहा। सो दैट्स इट गाइस, ये थी वीडियो, ये था नौहा, इसके फुल क्रेडिट जाते हैं मियाँ फरहान अली वारिस को, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए आप लोग, वीडियो ज़रूर देखिए उनकी जाकर। तो दैट्स इट यार, मिलते हैं ऐसी किसी और रिएक्शन वीडियो में जल्द से जल्द, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, कमेंट भी लिया हम लोग वीडियो कैसी दिखी और कौन से और वो नौहों पर रिएक्शन होना, मैं करूँगा रिएक्शन यार, लोग कह रहे हैं यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लिटरली सही में मुझे टाइम नहीं मिल रहा। एक के बाद एक बहुत तेजी से फरहान अली वारिस, या तो मीसम अब्बास, या तो इरफान हैदर, या तो मीर हसन मीर, या तो नदीम सरवर, तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं यार, तो टाइम ही नहीं मिल रहा किस पर, मतलब जो लोग कह रहे हैं ओल्ड, मतलब जो नौहों पर रिएक्शन करो, या फिर एक नौहा आया था मुझे शादमान रजा का, उस पर रिएक्शन करने को कह रहे हैं कोई, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यार, सही में टाइम नहीं मिल रहा है। इनसे फुर्सत मिले तो मैं रिएक्शन करूँ ना, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे बस। दैट्स इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए ताकि हम वहाँ पर अपडेटेड एंड कनेक्टेड रहें। मिलते हैं ऐसी किसी और रिएक्शन वीडियो में जल्द से जल्द, बहुत जल्द से जल्द, लिटरली बहुत जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। फरहान कयामत है लिखे क्या मजहर, आखिरी बात यही कह के सिधारे अकबर या अली कहे।